अंतर्राष्ट्रीय वेमेंस डे में आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम आज का ये कार्यक्रम देख के हम एक और कार्यक्रम से आए थे, जहां वो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कार्यक्रम था, जहां पत्रकारों का संगठन का बड़े बड़े लोग भी वहां मौजूद थे। लेकिन आज दिल से अगर ये बताएं तो आज मुझे ये यहां आकर जो अपनापन और जो लग रहा है कि वास्तव में हम लोग वेमेंस डे मना रहे हैं, वो शायद वहाँ पर नहीं था। जहाँ तक मेरी जितनी भी बात है, हम आपको अपनी बात से ही शेयर करेंगे। जहाँ तक जो निकलने की औरतों की बात है, पर्देदारी की बात है या किसी भी सोच की बात है, उससे अलग नहीं है। हर घर में हर लड़कियों को शुरू से ही ये संस्कार और ये सीख दी जाती है, ये हमेशा सीख दी जाती है, बेटा तुम्हें दूसरों के घर में जाना है, इसलिए तुम्हें ऐसा उनको बना दें कि आगे जाकर उन्हें अपने ससुराल में जब जाएं तो उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, वो जिस तरह से अपने घर में रही हैं वैसे ही रहें। तो कहने का मतलब ये, संस्कार जो है वो आपका परिवार ही देता है। अच्छा, जहाँ तक निकलने की काम करने की बात है, तो आज महिलाएं बहुत ये कहा जाता है कि प्लेन भी उड़ा रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं, जब इस तरह से बन रही हैं तो निकल भी रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं का जब आपस में एक स्वावलंबन, एक अपने पैरों पे खड़े होने की जो बात है, उसमें ये बात नहीं है कि उस समय ज़माना और था जहाँ एक आदमी काम, मर्द काम करता था, घर का मास्टर काम करता था, सारे परिवार उससे गुजारा चलता था। आज की जो स्थिति है उसमें ये ज़रूरी है कि महिलाओं को अपने दायरे में रहकर वो हुनर भी सीखें, वो घर में परिवार में हाथ भी बटा सकें। मैं ये बताऊं कि मैं एक ऐसी संस्था से काम करती हूँ, करती रही, जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूशन था, जो महिलाओं को हुनर की बात तो करता था लेकिन महिलाओं के महिला बाल विकास की जो चीज़ें होती हैं उससे काम नहीं करता था। और उसके बाद उस ज़माने में मुझे आप लोगों से मिलकर वो चिकनकारी जो समय हुआ करता था, आज आप लोगों ने नाम सुना होगा सेवा का नाम इंटरनेशनल फेम का है। और मैं ये बताऊं कि मैं चिन्हट में उस समय ये गई थी, मुस्लिम महिलाएं थीं जिनके बीच में मैंने काम किया। और आज भी मैं आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ, आप लोग तो सब शहर की हैं, कि अगर गाँव में भी जाइए तो अगर जो कल्चर मिलता है वो आपको मुस्लिम में ही मिलेगा, हिंदू में नहीं मिलेगा कल्चर। गांव के लोग में एक प्रतिस्पर्धा जो होती है, बात इसमें हिंदू मुसलमान की नहीं है, लेकिन एक संस्कार की, एक सीख देने की बात है। उसकी वजह यही है कि जैसा अभी एक बच्ची कह रही थी कि घर से ना निकलो, क्योंकि घर के अंदर ही काम करो। ये जो चिकन की काश्तकारी जो है वो आप ही लोगों से सीखी है, आज हिंदू लोग करने लगे वो बात और है। इसीलिए कि आप घर में रह के, चिकन का मतलब ये था बिहाइंड द कर्टन, कोई भी महिला उस समय भी एक पर्दा पड़ा रहता था, जो एक हद होती थी, शायद एक लिमिट के बाद घर के जो भाई भी हैं वो ज़्यादा नहीं जाते थे। तो वो अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी बात हो सकती है, ये तो समय देखने से है। मेरा अपना मानना ये है कि जो मेरे साथ अगर कोई चीज़ हुई और जिसके लिए मैं खड़ी हुई, तो उसमें मैं ये सोचती हूँ कि हर महिला, एक महिला की वो दुख होगा जो अपने आप को वो शेयर नहीं कर सकती। मर्दों की बात का विचारों में भिन्नता हो सकती है, आजकल का जो माहौल हो रहा है उसमें जो लड़कियों का एक फैशन में जाना, या मतलब कंपटीशन है, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी में पढ़ाई लिखाई होगी तो 10 तरह के विचार भी आएंगे, लेकिन उसके साथ ही अगर संस्कार आपके हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप इस बात की मुझे इजाज़त देंगे, इस बात की नहीं इजाज़त देंगे, तो आप पहले से ही उसको मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगी। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए हमारा अपना है, आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इसलिए आप बात करें, आप जैसी उम्र की जिस समय मैं थी तो मैं भी ऐसी थी, स्कूल गई और स्कूल के बाद जब आई, अगर थोड़ी भी देर हुई तो माँ ने ये पूछा देर क्यों हो गई, या उस समय का ये माहौल नहीं था कि आप कहीं भी जाकर किसी सखी सहेली के घर पे जाके बैठी हुई हैं। आजकल तो लड़कियों को इतनी भी आज़ादी है कि वो पिक्चर वगैरह भी देखने चले जाते हैं,
आपस में फ्रेंड सर्कल चले जाते हैं, लेकिन वो भी कोई बुराई नहीं है। आपको इस बात के लिए हो जाना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा, कहाँ आपके लिए एक मतलब एक अच्छाई जहाँ पर कोई भी हासिल नहीं होगा। फैशन को लोग दोष देते हैं लेकिन बात सही है। और जहाँ तक मैं हूँ कि माँ बाप एक ऐसी पाठशाला है किसी भी लड़के लड़की के लिए, जो जो सीख वो दे सकते हैं। आप चाहे इंग्लिश स्कूल में चले जाइए, चाहे आप किसी भी उसमें एजुकेशन ले लें, बाहर की एजुकेशन ले लें, वो आप नहीं ले सकते। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि जिस समय ये हुआ, मेरी एक बेटी है, मेरी शादी हुई उसके बाद कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ज़रूरत आ पड़ी। मेरी एक बेटी है, मैंने बेस्ट एजुकेशन उसको दी, और मैंने ये सोचा कि मैं एज ए सिंगल पेरेंट उस बेटी को कभी ये ना लगे कि मेरी माँ ये काम नहीं कर पाएगी। और आज आप लोगों को बता रही हूँ, वो रेप्लिकेट हुआ। उस बेटी को लोटो कॉन्वेंट के बेस्ट स्कूल में पढ़ाया, लेकिन उस बेटी को ये पता था कि मेरी माँ कहाँ मुझे इजाज़त देगी कहाँ नहीं देगी, तो अपने आप से ही वो मना कर दे दी कि नहीं ये मुझे नहीं है। तो ये आपके बच्चों के लिए, आपके जो माहौल चल रहा है उसके लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो इस बात में हूँ कि हर इंसान को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये कोई कंपटीशन नहीं है कि हम अपने मियाँ के साथ या अपने पति के साथ या अपने बच्चों के साथ कोई कंपटीशन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बात इस बात की है कि आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि घर की गाड़ी जो है, घर की पति पत्नी है या मान लीजिए माँ बाप हैं, तो उसमें एक सहयोग वाली बात हो तो उसकी आपको एक वक्त भी पता लगेगी कि हाँ ये काम जो है इतना पैसा है कितनी मुश्किल से आता है। होगी तो आप लोग जो हुनर सीख रहे हैं आजकल, ये कुंदन का, मैंने तो चिकन में बहुत काम किया, और मैंने मल्हौर गांव था उसमें मैंने मेरा बाहर आगा ये कनाडा का एक प्रोजेक्ट था जिसको मैंने किया था, और उसमें मुस्लिम लेडीज़ को भी, तो आपको बताऊँ कि मुस्लिम लेडीज़ को क्योंकि मैं देख रही थी, तो सिर्फ मैं चिकन में नहीं रही, उनको टेलरिंग कराई। वो गांव में एक मैंने ऑफिस बना रखा था, उसके साथ मैंने उनको चिकन के साथ साथ उनको सेल भी सिखाई। यहाँ तक कि उन लड़कियों ने अपने जाने के लिए, अपनी शादी के लिए जहेज तक बना लिया। कभी भी वो ये कहती थी, जैसे पत्ती का काम होता है या कि हमने डिज़ाइनिंग की उसमें करके। आज मुझे बड़ी इस बात की खुशी होती है कि अगर मान लीजिए हुनर सीखना और उसको एप्लीकेबल करना, ये नहीं कि बहुत सारे आप कॉलेजेस में या ये पॉलिटेक्निक है आप चले जाइए, लड़कियों ने ये भी आता है लेकिन प्रैक्टिकली कोई कुछ नहीं करता। तो इसलिए आज वेमेंस डे में मैं आप सबको एक दुआ के रूप में भी और एक आशीर्वाद के रूप में भी यही कहूँगी कि आप लोग जितना जो कुछ कर सकें अपने सामर्थ्य के लिए, अपने साथ साथ लोगों को मिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जिन हेल्प करें, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। वैसे यह है कि मैं महिला हेल्पलाइन चलाती हूँ और महिलाओं के लिए काम करती हूँ, उनकी डोमेस्टिक वायलेंस, उनकी जो समस्याएं होती हैं उसको भी देखती हूँ। महमूद जी हमारे साथ नई पहचान, बहुत दिनों से जुड़ी हुई है और मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। अब आप इस बात के लिए, इस बात का ख्याल कि मेरे से जो भी किसी भी तरह की मदद हो सकती है, चाहे वो घर की समस्याओं से लेकर हो या आपके काम से संबंधित हो, कभी भी मुझे याद कीजिएगा, मैं हाजिर हूँ।